श्राद्ध पक्ष में 20 साल बाद आई सर्वप्रीत शनिश्चरी अमावस्या पर शनिवार को इंदौर के शनि मंदिरों में अलसुबह से भक्तों का सैलाब देखा गया, जहां श्रद्धालुओं ने न्याय के देवता भगवान शनिदेव को तिल तिल चढ़ाकर खुशहाली की कामना की। इस दौरान शनि मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई थी। शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर जुनिंदौर के प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर में फूलों से विशेष सजावट की गई। वहीं अद्भुत संयोग के अवसर पर भगवान शनिदेव के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह देखा गया, जिसके चलते सुबह से श्रद्धालु का मंदिर में तांता देखने को मिला, जहां दर्शनार्थियों ने न्याय के देवता भगवान शनि को विशेष पूजा अर्चना करने के साथ सुख शांति और समृद्धि की कामना की। एक्सटेंशन व्यू शनि मंदिर के पुजारी ने कड़वाहट न्यूज नेटवर्क से खास बातचीत करते हुए बताया कि शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा खास आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु के लिए पितृ दोष निवारण सहित सामूहिक पाठ का आयोजन भी किया गया। आप लोग पीछे से हट जाओ, आप लोग पीछे से हट जाओ, अरे आप लोग पीछे से हट जाओ, थोड़ा सा साइड में हो जाओ, पीछे वालों को दर्शन करने दो, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, आंटी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा ऊंचा हो जाओ, साइड में नमस्कार, आप सभी का केएनएन में स्वागत है। मैं हूं खुशबू यादव और आज हम उपस्थित हैं जूनी इंदौर के प्राचीनतम शनि मंदिर पे, जहां पर शनि अमावस्या मनाई जा रही है। यह शनि अमावस्या आज खास तौर पे मनाई जा रही है क्योंकि इसमें तीन मिला जुला सहयोग है, जैसे कि अमावस्या है, शनिवार है और पितृ अमावस्या भी है। जो पितरों का जो श्राद्ध चल रहा है उसका सबसे लास्ट दिन है जहाँ पर पितरों को अर्पण दिया जाता है, और यह शनि अमावस्या पूरे ही हर शनि मंदिर में बड़े छोटा या बड़ा हो उसमें हर धूमधाम से मनाई जाइए। आइए हम जानते हैं शनि मंदिर के पुजारी से कि आज कौन सा मिला जुला योग बना है, किस तरीके से यह उत्सव मनाया जा रहा है। सर नमस्कार। सर आज शनि अमावस्या है और पितृ अमावस्या की पितृ अमावस्या भी इसे कहा जा रहा है और मिला जुला योग कहा जा रहा है, तो सर इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। अमावस्या जब भी आती है तो अमावस्या हमेशा शनि महाराज की होती है, क्योंकि शनि महाराज का जन्म अमावस्या तिथि में हुआ था, इसलिए अमावस्या जब शनिवार को आती है तो उसका बहुत अधिक महत्व बन जाता है। पर ये संयोग काफ़ी वर्षों बाद आया है जब सर्वपितृ अमावस्या, जो पितरों की अमावस्या होती है, वो शनिवार को आ रही है, तो इसमें जो भी जातक होते हैं वो अपने पितरों की शांति के लिए, जैसे हमने आज तर्पण की व्यवस्था की थी, तर्पण हवन किया था हमने, तो इस दिन ये कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ये दिन बहुत ही संयोगवश बनता है। और शनिवार को बाबा का जन्म महोत्सव भी होता है तो वो भी अमावस्या दिन मामला होता है। सर कहा जा रहा है कि साल की लास्ट अमावस्या है, शनि अमावस्या है ये। जी, ये भी एक बड़ा संयोग बना है अपने आप में कि ये जन्म के उपरांत में एक ये वर्ष की आपसे आखिरी अमावस्या आ रही है, अब इसके उपरांत जब बाबा जन्म लेंगे जब ये अमावस्या आएगी। कहा जा सकता है कि 2020 में ही शनि अमावस्या का संयोग बनेगा। बिल्कुल। सर आपका नाम बता दीजिए। सचिन तिवारी, पंडित सचिन तिवारी। जैसा कि आपने देखा कि शनि मंदिर में जो उत्सव मनाया जा रहा है, जैसा पंडित जी ने मनाया कि 2019 की ये लास्ट शनि अमावस्या है और इसके बाद में अब ये सहयोग 2020 में ही देखने के लिए मिलेगा। कैमरामैन दानवीर के साथ खुशबू यादव की रिपोर्ट।